पवित्रा और जैस्मिन में क्यों छिड़ गई थी जंग, बताएंगे इस वीडियो में। हेलो, दिस इज लिसा गंगवानी। और भाई, पवित्रा और जैस्मिन मुंह जुबानी जंग में इन्वॉल्व होते हुए नजर आए। उसका रीजन था कि जब जैस्मिन थी डब्बे के अंदर, तो पवित्रा एज संचालक या फिर संचालक बनने से पहले भी कहीं ना कहीं जैस्मिन को नहीं चाहती थी बनाना कैप्टन, और उन्होंने उनके डब्बे में जाकर एक कीड़ा डाल दिया था जिसको अली को बता रही थी। उसके बाद फिर पवित्रा कहती है कि मेरा जो मन करेगा मैं करूंगी, कीड़ा डालूं या कुछ भी डालो, उसको हटना है, उसको उठना है, वो उठ सकती है। ऐसे में जैस्मिन बोलती हुई नजर आ रही है पवित्रा को कि आपके तेवर बहुत बदल गए हैं। तो पवित्रा बोलती है कि आपको जो समझना है आप समझ सकती हैं। यहाँ पर जैस्मिन बोलती हुई नजर आती है फिर कि भाई, जब से मैंने आपको नॉमिनेट किया है इस वाले नॉमिनेशंस में जहां पर मैंने आपकी फोटोग्राफ लगाई थी, तब से मुझे आपके तेवर बदले बदले लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पत्ते खुल गए हैं इस बार नॉमिनेशन टास्क में, इसलिए आपके तेवर इतने ज्यादा बदल गए हैं, और इसलिए आपका मेरा मेरी तरफ रवैया इस तरह का हो गया है। यानी कि जैस्मिन का पॉइंट साफ है कि वो समझती है कि पवित्रा नॉमिनेट हो गई थी उनके हाथों, और इसी वजह से उनका जो रवैया है चेंज हो गया है। हालांकि बाद में पवित्रा को मौका मिला था और उन्होंने जैस्मिन को ही कर दिया था नॉमिनेट, लेकिन फिर भी उनका यही कहना है, पवित्रा को ऐसा लगता है, जैस्मिन का ये कहना है कि पवित्रा के तेवर बदल गए हैं जब से हुई हैं वो नॉमिनेट, और अब उनके पास गेम में कुछ खास बचा नहीं है चिल्लाने चीखने के अलावा, इसलिए अब वो धीरे धीरे अलग अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रही है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पवित्रा कर रही थी कविता को सपोर्ट, और कविता से उनकी काफी बनती नहीं है। तो ऐसे में पवित्रा को देखा जा रहा है कि वो नए नए अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनके जितने भी पुराने अलायंसेस थे वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से कौन है इस जुबानी जंग में सही, जैस्मिन या पवित्रा? क्या आपको भी लगता है पवित्रा के सारे पत्ते खुल चुके हैं? क्या जैस्मिन बोल रही हैं सही? तो लिखकर बता दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमारे चैनल देखते रहिए, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।